हेलो चो, स्वागत आप लोगों का द नॉलेज पार्क में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, क्रैश कोर्स चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा मेन मेन चीज़ें समझनी है जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रहा हूँ, और आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे कपलिंग कॉन्स्टेंट, जिसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो कपलिंग कांस्टेंट पूछ लिया जाता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है। ज़्यादातर यूनिट ही पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर। चलिए, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कपलिंग कांस्टेंट देखिए, जो कपलिंग कांस्टेंट है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जे के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल जे के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सिग्नल मिला है हमें, दो दो पीक्स मिली है, तो दो दोनों जो पीक है उन दोनों पीक के बीच की जो दूरी होगी वो कांस्टेंट रहती है जनरली, और उसको ही कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट पीक, दो समीपवर्ती जो पीक्स होगी उनके बीच की जो डिस्टेंस है, टू एडजेसेंट पीक इन ए मल्टीप्लेट, इन ए मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट यानी कि डबलेट, ट्रिपलेट या फिर क्वार्टेट, क्विंटेट, उनको बोलते हैं मल्टीप्लेट। इन ए मल्टीप्लेट इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज कपलिंग कॉन्स्टेंट, कपलिंग कॉन्स्टेंट। ओके, समझ। डिस्टेंस बिटवीन टू दिस सेंटर यानी कि हमारे पास में कोई दो पीक्स है मल्टीप्लेट की, ना कि सिंगलेट की, कोई दो पीक है और उनके जो सेंटर है उस सेंटर से उन दोनों के बीच की जो दूरी है, पीक्स के बीच की दूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट बोला जाता है, और वो जनरली कांस्टेंट वैल्यू रहती है। मान लीजिए दो पीक है, ओके, ये दो पीक है और ये डबलेट सिंगलेट है। ये क्या है? डबलेट सिंगल सिग्नल है डबलेट में, तो ये एक पीक हो गई, एक पीक हो गई। मान लीजिए ये जो ऊपर की टिप है इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जनरली कॉन्स्टेंट रहती है किसी मल्टीप्लेट में। अब वो डबलेट की बात कर सकता है, वो ट्रिपलेट की बात कर सकता है, या क्वार्टेट या फिर क्विंटेट की भी बात कर सकता है। डबलेट में जो भी समीपवर्ती दो सिग्नल होते हैं, दो पीक्स होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो जनरली कांस्टेंट होती है, और इसी को कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। इसका जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट क्या है? साइकिल पर सेकेंड, या फिर इसको हर्ट्ज में भी डिनोट किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसके यूनिट में से ही पूछे गए हैं। ओके, साथ में जो जे की वैल्यू होती है इसको हम लोग जे से जो है डिनोट कर रहे हैं, कपलिंग कॉन्स्टेंट है ये, और ये इंडिपेंडेंट होती है। जे इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो वैल्यू है वो जनरली चेंज नहीं होती है, चाहे बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम कीजिए या फिर बढ़ाइए, उसकी जो वैल्यू रहनी है वो हमेशा फिक्स रहनी है। इसका यूज किया जाता है, जे इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जे जो वैल्यू होती है ये मेनली यूज की जाती है टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिंगलेट, टू सिंगलेट एंड वन डबलेट, वन डबलेट और टू डबलेट, टू डबलेट एंड वन क्वार्टेट, वन क्वार्टेट। समझे? चलो इसको, इसका काम भी यूज कर रहे हो।
मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई सिग्नल मिल रहा है, तो इसमें जो सिग्नल है वो मान लीजिए कुछ ऐसे मिल रहा है हमें, ऐसे इस तरह से सिग्नल मिल रहा है हमें, और ये सिग्नल एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में है। ओके, इसी के पास में एक और मिला हमें, और ये भी कुछ एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है। फिलहाल यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100 MHz है। मान लेते हैं अपनी तरफ से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है वो 100 MHz है। अब ये इतनी ज्यादा क्लोज है कि हम इन दोनों में से बता नहीं सकते हैं कि या फिर डबलेट है दोनों, या फिर ये दोनों के दोनों सिंगलेट है, या फिर यहाँ पर ये सिंगलेट सिंगलेट, या फिर ये डबलेट है। तो कैसे बताएं? देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों पीक्स के बीच की दूरी को पहले हम मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, तो इसमें मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी आ रही है वो 10 Hz आ रही है। ओके, और यहाँ पर जब हमने निकाली तो भी इनके बीच की दूरी 10 Hz ही आई। तो कंफ्यूजन है कि भाई कैसे पहचाने कि दोनों जो है काफी सिंगलेट ही है, कि फिर इनमें से कोई एक डबलेट भी है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको बढ़ा देंगे। चलिए मान लेते हैं पहले 100 हमने मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रखी थी, अब की बार फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने से क्या होगा कि जो हमारा ये है इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी काम कर रही है वो 150 MHz काम कर रही है, ये काम कर रही है। तो जब इतनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो क्या होगा, जो सिग्नल है वो हमें बिल्कुल अलग अलग नजर आने लगेंगे। लेकिन ये जो डबलेट है, देखिए यहाँ पर 10 Hz है, ये भी 10 Hz है, तो इसमें बताना मुश्किल है कि कौन सिंगलेट और कौन डबलेट है। जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमने देखा कि ये वाली जो है, ये वाला जो सिग्नल है, इसके बीच में जो जे की वैल्यू है वो 10 Hz ही है, 10 Hz ही है। लेकिन यहाँ पर इनके बीच की जो वैल्यू है अब वो पहले से बढ़कर मान लीजिए 15 Hz हो गई। कैसी हो गई? 15 Hz हो गई। तो अब ये दोनों सिग्नल अलग हो गए, तो हम तुरंत पहचान लेंगे इसमें सिंगलेट कौन है और डबलेट कौन है। देखिए जहां पर ये एक साथ रहेंगे, इनके बीच की जो दूरी है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये जो हमें सिग्नल था वो कैसा था, मल्टीप्लेट। तो ये कैसा है, ये डबलेट है, जहां पर चेंज नहीं होगा। जहां पर चेंज हो गया है तो वो हमारा कैसे हो गए, तो ये दोनों कैसे हो गए भाई, ये दोनों है सिंगलेट। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि अगर सिग्नल बहुत ज्यादा नजदीक है तो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाइए, अगर सिग्नल थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वहां पर हमें मल्टीप्लेट नहीं मिल रहा बल्कि सिंगलेट मिल रहा है। और अगर वो वहीं पर है, पहले भी वैल्यू इतनी थी और दोबारा भी वैल्यू इतनी आ रही है, क्योंकि जे की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कितने अप्लाई कीजिए, इसको घटाइए या फिर बढ़ाइए या उतने रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीच की वैल्यू आएगी वो हमेशा मल्टीप्लेट के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी है। तो यहाँ भी 10 Hz, यहाँ भी 10 Hz, तो हमने पता लगा लिया कि ये डबलेट है। और जब इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया गया तो पहले 10 था, अब 15 हो गया। आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है इनके बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाए। तो दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लेट नहीं बल्कि सिंगलेट है। ओके, तो यहां से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक तो इसका फॉर्मूला, सॉरी, एक तो इसका डिनोशन यहाँ ध्यान रखना है, कैपिटल जे से इसको डिनोट किया जाता है। साथ में ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, और इसका यूज किया जाता है इसको डिटरमाइन करने में, दो सिंगलेट और एक डबलेट, या फिर दो डबलेट और एक क्वार्टेट, इनके बीच की दूरी को पता करने में किया जाता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर।